देहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहां राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे जिसके कारण वो यहां आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हां बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता पर घास लौट करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इस वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूं। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा पर वहां कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बराच गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बिराच रहा था टांगे में भी वजन बढ़ाते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई हैं और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उसे पहले मैंने अपनी कमीज निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े डीहुओं को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था, उसे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती उसे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें पार होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा आज तो बच गया, तू पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया।
उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने इस छोटे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।